इसने क्या बोला है कि ए प्रोटॉन है, न्यूट्रॉन है, अल्फा पार्टिकल है, एक्सेलरेटेड थ्रू द सेम पोटेंशियल डिफरेंस एंटर ए रीजन ऑफ यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड मूविंग एट एंगल ऑफ मूविंग एट राइट एंगल टू बी. व्हाट इज द रेशियो ऑफ देयर काइनेटिक एनर्जी. काइनेटिक एनर्जी का रेशियो बताना है. अगर मान लो चार्ज पार्टिकल एक जगह से दूसरी जगह जा रहा है, चार्ज पार्टिकल क्या एक जगह से दूसरी जगह, और पोटेंशियल वी का उसमें इसने पोटेंशियल डिफरेंस दे रखा है वी का, तो काइनेटिक एनर्जी क्या होगी, इंक्रीज हो जाएगी उसकी. जब मैंने बताया था कि एक जगह से दूसरी जगह जाता है, इस पॉइंट का पोटेंशियल दे रखा है, इस पॉइंट का पोटेंशियल दे रखा है, यानी कि दो पॉइंट्स के बीच का पोटेंशियल आपको गिवन है, पोटेंशियल डिफरेंस. चार्ज पार्टिकल जब यहाँ से यहाँ तक जाएगा तो उसकी काइनेटिक एनर्जी या तो बढ़ सकती है या फिर घट सकती है, और वो कितनी बढ़िया घट सकती है, क्यू डेल्टा वी के क्रॉस. तो यहाँ पे काइनेटिक एनर्जी रेशियो का यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड सेम पोटेंशियल डिफरेंस है तीनों के लिए ही, प्रोटॉन न्यूट्रॉन और अल्फा पार्टिकल तीनों के लिए पोटेंशियल डिफरेंस सेम है, मैग्नेटिक फील्ड भी क्या है तीनों के लिए सेम है. तो यहाँ पे जो काइनेटिक एनर्जी जो है वो इंक्रीज हो जाएगी क्यू डेल्टा वी के इक्वल. डेल्टा वी सेम है दोनों तीनों के लिए, तो काइनेटिक एनर्जी जो है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगी क्यू के, डायरेक्टली प्रोपोर्शन टू क्यू. तो यहाँ पे चार्ज का जो रेशियो होगा वही क्या हो जाएगा इनके काइनेटिक एनर्जी का रेशियो. तो प्रोटॉन पे चार्ज ई, न्यूट्रॉन पे भी ई और अल्फा पार्टिकल पे 2e. तो यहाँ पे काइनेटिक एनर्जी का रेशियो क्या हो जाएगा, ई रेशियो 2e. तो यहाँ पे यानी कि रेशियो क्या हो जाएगा 1:1:2. ये आएगा आपके पास काइनेटिक एनर्जी का रेशियो 1:1:2. आगे समझ. या फिर काइनेटिक एनर्जी इस तरीके से कर सकते हो, या फिर हाफ एम वी स्क्वायर फॉर्म की वेलोसिटी भी रखनी देखनी पड़ेगी आपको. तो उस केस में यहाँ से पोटेंशियल डिफरेंस का रिलेशन दे दिया कि एक चार्ज पार्टिकल एक जगह से दूसरी जगह जा रही है, वी का पोटेंशियल डिफरेंस है, तो काइनेटिक एनर्जी का रेशियो बताओ क्या होगा. तो यहाँ पे काइनेटिक एनर्जी का रेशियो क्या हो जाएगा, यहाँ वहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड पढ़ा था हमने, यहाँ पे क्या है मैग्नेटिक फील्ड. तो सेम मैग्नेटिक फील्ड में भी हो चाहे इलेक्ट्रिक फील्ड में हो, काइनेटिक एनर्जी क्या हो जाती है उस पर बढ़ जाएगी, क्योंकि यहाँ पे मैग्नेटिक फोर्स तो लगेगा ही, क्योंकि राइट एंगल ट्रायंगल है इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड के बीच. तो काइनेटिक एनर्जी या तो बढ़ सकती है या फिर घट सकती है. तो उस केस में दोनों हो जाएंगी, तो कितनी बढ़ घट सकती है, क्यू डेल्टा वी के इक्वल. तो यहाँ से काइनेटिक एनर्जी का रेशियो आ जाएगा, जो चार्ज का रेशियो होगा वही क्या हो जाएगा काइनेटिक एनर्जी का रेशियो. अगर ये कह दिया कि सेम पोटेंशियल डिफरेंस में जा रही है, तो आप सीधा ये देख लियो कि जो चार्ज का रेशियो होगा वही क्या हो जाएगा काइनेटिक एनर्जी का रेशियो आएगा. अब सेम इसमें क्या, इफ द रेडियस ऑफ द प्रोटॉन इज 10 सेंटीमीटर, व्हाट इज द रेडियस ऑफ न्यूट्रॉन. अगर प्रोटॉन का रेडियस आपको दे रखा है कितना 10 सेंटीमीटर, तो न्यूट्रॉन का बताना है कितना हो जाएगा. तो अब देखो रेडियस ऑफ प्रोटॉन क्या हो जाएगा, फॉर्मूला होता है एम वी बाय में क्यू बी. तो यहां से मास जो होगा वो दोनों का क्या होगा, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन का मास, दोनों का मास क्या होता है, एक का एम एक का टू एम होता है. वेलोसिटी क्या होगी, दोनों की सेम ही वेलोसिटी होगी, सेम वेलोसिटी से अल्फा पार्टिकल एक्सेलरेटरी द सेम पोटेंशियल डिफरेंस, या फिर इसको करो पी बाय यानी कि वेलोसिटी सेम है, मैग्नेटिक फील्ड क्या होगी सेम, जो भी रेशियो होगा मास और इस पर चार्ज भी सेम है, तो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल क्या हो जाएगा मास के. तो इसका मास जो है क्योंकि सेम उसमें है, पोटेंशियल डिफरेंस भी सेम है और यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड है, तो हाफ एम वी स्क्वायर. काइनेटिक एनर्जी जो होगी वो जो भी डिपेंड करेगी चार्ज पे डिपेंड करेगी, तो दोनों का चार्ज सेम है. काइनेटिक एनर्जी किस पे डिपेंड करेगी, हाफ एम वी स्क्वायर, दोनों की जो दोनों का जो मास है वो क्या है सेम है, तो किस पे डिपेंड करेगी, वेलोसिटी भी क्या होगी दोनों की, या फिर इसको ऐसे कर लो काइनेटिक एनर्जी जो होगी वो क्या हो जाएगी हाफ इसको कर लो आर पी इक्वल टू आ जाएगा रूट टू एम के बाय में क्यू बी. यहां से काइनेटिक एनर्जी दोनों की क्या हो जाएगी अलग अलग, यहाँ से निकाल लो काइनेटिक एनर्जी इसकी जो होगी वो क्या हो जाएगी क्यू इंटू बी. काइनेटिक एनर्जी यहाँ पुट कर दो क्यू इंटू बी,
काइनेटिक एनर्जी क्या पुट कर दोगे, आर प्रोटॉन जो होगी उसकी काइनेटिक एनर्जी यहाँ पे पुट कर दो, क्यू इंटू में मास कितना होगा प्रोटॉन का, एम इसने प्रोटॉन की दे रखी है, और ये क्या हो जाएगी क्यू इंटू में वी डिवाइड बाय में क्या हो जाएगा क्यू बी, ठीक है, और इसकी वैल्यू क्या दे रखी है आपको 10 इक्वल टू, 10 इक्वल टू क्या हो जाएगा रूट टू एम क्यू वी डिवाइड बाय में क्यू बी, ठीक है। अब इसमें न्यूट्रॉन का रेडियस क्या हो जाएगा आपके पास रूट टू एम की वैल्यू क्या हो जाएगी 2m इंटू में काइनेटिक एनर्जी जो आएगी वो क्या हो जाएगी न्यूट्रॉन की, क्यू क्यू की वैल्यू क्या है ई है, क्यू इंटू में चार्ज कितना है न्यूट्रॉन पे, क्यू चार्ज कितना है न्यूट्रॉन का ई है, डिवाइड बाय में क्या आ जाएगा ई बी। अब यहां से देख लो कंपेयर कर लो दोनों को, ये ई बी से ई बी, यहां से दोनों को अगर हम रेशियो ले 10 डिवाइड बाय में आर डी इक्वल टू क्या आ जाएगा 4 एम क्यू वी डिवाइड बाय में ई बी इंटू में ई बी डिवाइड बाय में रूट टू एम क्यू वी, तो ये कैंसिल हो जाएगी रूट टू एम के क्यू बी से, तो ये आ जाएगा 10 डिवाइड बाय में आर डी इक्वल टू क्या आ जाएगा, इसको कैंसिल करोगे तो रूट टू बच जाएगा, तो रूट टू डिवाइड बाय में 1, तो आर डी की वैल्यू क्या आ जाएगी आपके पास 10 बाय में रूट टू, सी ऑप्शन आना चाहिए। आगे समझ, अभी भी यहाँ पे काइनेटिक एनर्जी दोनों की सेम ही है, प्रोटॉन की और न्यूट्रॉन की दोनों की काइनेटिक एनर्जी सेम है, सेकेंड एरो ठीक है सेकेंड ही आएगा, यहाँ पे कैलकुलेशन मिस्टेक है, देख यहाँ पे क्या था ये आर डी आर पी बाय आर डी कर रहे हैं, आर पी बाय में क्या कर दो आर डी, तो आर पी की जो वैल्यू है वो है रूट टू एम क्यू वी डिवाइड बाय में ई बी इंटू में इसकी वैल्यू है तो ई बी डिवाइड बाय में क्या आ जाएगी रूट फोर एम क्यू वी, ये उल्टा लिख दिया था तो यहाँ से ई बी से ई बी कैंसिल, इसको कट करोगे तो क्या आ जाएगा रूट टू, तो आर पी की वैल्यू दे रखी है आपको 10 डिवाइड बाय में आर डी इक्वल टू क्या आ जाएगा 1 बाय में रूट टू, तो आर डी की वैल्यू क्या आ जाएगी आपके पास 10 रूट टू, आया समझ, श्योर कुछ पूछें इसमें, और पहले काइनेटिक एनर्जी इसने दे दी तो इसकी ज़रूरत पड़ रही थी सेकंड पार्ट में, तो इसलिए पहले सभी की काइनेटिक एनर्जी निकाल सकते हो, इसकी काइनेटिक एनर्जी प्रोटॉन की काइनेटिक एनर्जी हो जाएगी क्यू वी, इसकी भी क्या हो जाएगी क्यू वी, और इसकी क्या हो जाएगी टू क्यू वी, तो यहाँ पे इस फॉर्मूले में पुट कर दो काइनेटिक एनर्जी तीनों की। अब पूछा व्हाट इज द रेडियस ऑफ अल्फा पार्टिकल, अल्फा पार्टिकल का रेडियस पूछा है, प्रोटोन का रेडियस तो ये है ही, अल्फा पार्टिकल का रेडियस क्या हो जाएगा आर अल्फा क्या हो जाएगा रूट टू, एम की वैल्यू क्या हो जाएगी 4m इंटू में काइनेटिक एनर्जी क्या हो जाएगी 2qv डिवाइड बाय में 2qv, तो आर अल्फा डिवाइड बाय में ये अल्फा पार्टिकल क्या गया आपके पास और प्रोटॉन की क्या थी ये, तो इन दोनों को कंपेयर कर दो, तो यहाँ से यानी कि आर अल्फा डिवाइड बाय में 10 इंटू में ये आ जाएगा आपके पास 16 एम क्यू वी डिवाइड बाय में 2 क्यू बी इंटू में क्यू बी डिवाइड बाय में रूट टू एम क्यू वी, तो यहाँ से क्यू बी कैंसिल 2 से इसको कट करोगे तो ये क्या आ जाएगी आपके पास रूट टू एम से डिवाइड करोगे तो ये आ जाएगी 8 एम क्यू बी 8m रूट 8 आ जाएगा, तो यह आ जाएगा r अल्फा डिवाइड बाय 10 इक्वल टू क्या आ जाएगा रूट 8 डिवाइड बाय में 2, इसको लिख सकते हो 2 रूट 2, तो यह आ जाएगा r अल्फा इक्वल टू 2 रूट 2 डिवाइड बाय में 2 से 2 कैंसिल, तो r अल्फा की वैल्यू आ जाएगी आपके पास 10 रूट 2, ये सही करिए यही है, इसका भी क्या ऑप्शन आ जाएगा बी ऑप्शन, आगे समझ श्योर sure?